वेरी गुड इवनिंग माई डियर फ्रेंड्स अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख देना ताकि आज का सेशन हम स्टार्ट कर सकें चलिए जी तो आपके वेरी गुड इवनिंग उम्मीद करते हैं, friends, आपके साथ कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले एग्जामिनेशन के लिए और जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर से कुछ सवाल देखने को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में और आज भी करंट अफेयर्स के कुछ सवाल उठाए हैं आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए पेपर वन से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के सवाल जो हैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाले तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आपको एक बार हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं तो पेपर पेपर जो कि जनरल है उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कॉम्बो पैक पेपर टू कॉमर्स के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास पेपर्स एनटीए वाले फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज सभी यूनिट्स का वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हैं और सभी कोर्सेज को कॉम्बो भी आप ले सकते हैं तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि इसका आंसर कहां से हमें सही मिलता है पहला सवाल है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एसडीजी इंडेक्स 2020 सर एसडीजी क्या हुए हमारे एसडीजी हुए हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर एक इंडेक्स बनाया गया है और इस इंडेक्स में हमारा जो स्वीडन है उसका रैंक 1 आया है आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया का क्या रैंक यहां पे? इंडिया का रैंक आपसे पूछ रहे हैं आ अगर आप देखें इस इंडेक्स के बारे में आ तो यहां पे आप देखेंगे देखिए यहां पे कुछ कंट्रीज की रैंकिंग दे रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अगर पढ़ें इस रिपोर्ट के बारे में तो लिखा गया जी हमारा एजेंडा 2030 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अडॉप्ट किया और 17 गोल्स की यहां पे बात कर रखी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है Is the first worldwide study to assess where each country stands with regard to achieving the sustainable development goals. तो कहा गया अनलाइक एड स्पीड द मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स द एस डीजी सेट स्टैंडर्ड्स नॉट ओनली फॉर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन तो एसडीजी आपके डेवलपिंग कंट्रीज पे भी एप्लीकेबल है डेवलप्ड कंट्रीज पे भी बराबर एप्लीकेबल है और इसीलिए यहां पे हमने ये इंडेक्स निकाला ये रिपोर्ट निकाली और उसके अंदर बताया है कि हमारे नेशंस की क्या प्रोग्रेस है यहां इस इंडेक्स पे अपने काम को लेकर और ऑथर्स भी यहां पे दिए गए हैं किन लोगों ने इस पे काम किया है और रैंकिंग अगर हम इस रिपोर्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्वीडन है वो रैंक वन पे आ रहा है और पूरे रैंक यहाँ पे हमारे पास शो कर रहे हैं तो देखते हैं इंडिया हमें कहां दिखता है कहावनटीन पोजिशन पे, पे हमें जो इंडिया है वो दिख रहा है और आप सभी के आंसर जो वन वन सेवन के आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है जी इंडिया जो है हंड्रेड एंड सेवनटीन पोजिशन पे है ऑप्शन नंबर सी आंसर है इंडिया का स्कोर है सिक्सटी वन पॉइंट नाइन टू और कहा गया दस सत्रह में से दस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन पे इंडिया जो है मेजर चैलेंजेस फेस यहां पे कर रहा है तो ये कुछ बातें थी इस रिपोर्ट के बारे में तो ये भी आपको यहां पे पता होनी चाहिए एस डी जी एम डी जी पे सवाल बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं और ये सवाल उसी कंटेक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी ये भी एनवायरमेंट से जुड़ा है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अटेंड करी इलेवेंथ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग ये जो डायलॉग है 2010 से कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है इंडिया यूएस जर्मनी या फिर रशिया पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग देखिए इसको आपको याद करना है कुछ खास समझने वाला तो नहीं है हाँ जी कृतिका आवेश हेलो कह रहे हैं। हेलो जी जल्दी से सवालों का आंसर दीजिए तब मजा आए हेलो हाय तो चलती रहेगी और पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है उसे माय डियर फ्रेंड्स 2010 से जर्मनी जो है वो होस्ट करता आ रहा है जर्मनी होस्ट करता आ रहा है इसीलिए आंसर मेरा है यहां पे ऑप्शन नंबर सी इस बार जो था कहा गया कि वर्चुअल फॉर्मेट में यह आपका कंडक्ट करवाया गया था तो बेसिकली एक फॉरम है जहां पे आपके क्लाइमेट मिनिस्टर्स जो है इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है पार्टिसिपेट करते हैं क्लाइमेट डिस्कशन करते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कैसे जो है क्लाइमेट को कंजर्व करना है डिस्कशंस करते हैं जर्मनी जो है इसे होस्ट करता है और इसलिए आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी नताशा अत्री ऑप्शन सी आंसर है बाकी सभी के आंसर यहां पर थोड़े से गड़बड़ कोई दिक्कत की बात नहीं है इसे आप याद रखिएगा चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड यूएसडी फोर फिफ्टी मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट द नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम नेम्ड अटल भूजल योजना पीएम भूजल अभियान भूजल सुरक्षा अभियान स्वच्छ भूजल बताइए जी ग्राउंड वाटर को लेकर ना सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं और इस बार भी देखने को मिल रहे हैं ग्राउंड वाटर पे सवाल तो ग्राउंड वाटर से जुड़ा जो हमारा नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसका नाम तो कम से कम हमें पता ही होना चाहिए कि क्या नाम है हमारे नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम का ये तो आपको पता ही होना चाहिए जी अगर ये भी नहीं पता तो दिक्कत की बात है इस सवाल का आंसर तो मालूम होना चाहिए और बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके अटल भूजल योजना है हमारा नेशनल ग्राउंड वाटर इंप्रूवमेंट या फिर मैनेजमेंट प्रोग्राम बिल्कुल जी आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं फिर से ग्राउंड वाटर से जुड़ा सवाल है यह सवाल है अ न्यू स्टडी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके एंड महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर पटना has found dash contaminating the ग्राउंड वाटर इन टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बताइए जी बिहार में कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है जो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करे हुए है यूरेनियम थोरियम लिथियम और फ्लाइए बताइए कौन सा एलिमेंट है जो कि बिहार के अंदर ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहा है ग्राउंड वाटर आप समझते हैं ना जो हमारी पृथ्वी है अर्थ है उसके अंदर जो पानी है डेट इज ग्राउंड वाटर ये ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हम करते हैं काफी सारी चीजों के लिए हम नीचे से पानी निकालते जा रहे हैं निकालते जा रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो और नीचे नीचे जाता जा रहा है और नीचे ड्रिल हमें करना पड़ रहा है पानी लेने के लिए आंसर आ रहे हैं डी ए के देखिए यहां पे जो इसका आंसर है ना जी वो है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम जो स्टडी हुई है उसके अंदर ये पता चला है कि यूरेनियम देखने को मिल रहा है आपके बिहार के अंदर बिहार के ग्राउंड वाटर के अंदर और कहा गया कि ये यूरेनियम जो है नेचुरल है नेचुरली अकरिंग है अपने आप ही नेचर में कर रहा है बट हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना वो इसे और ज्यादा बढ़ा रही है जैसे हम बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर से तो उससे कहीं ना कहीं हमारा और ज्यादा जो है इसका लेवल बढ़ता जा रहा है तो, तो देर इज अ कंसर्न ये हमारे लिए कंसर्न है क्योंकि अगर यूरेनियम हमारी बॉडी में चला जाए तो उससे हमें क्रॉनिक किडनी डिजीजे जो है वो हो सकती हैं ग्राउंड वाटर कंसर्न जो है हमारे इंडिया के लिए नए नहीं है इससे पहले भी ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन पे स्टडीज हुई हैं और पाया गया है कि हमारा जो आर्सेनिक है वो कंटेमिनेट करता है हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन को जो कि सेवरल स्टेट्स को इफेक्ट करता है वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश बिहार असम इसी रीजन के अंदर पाया गया है और आर्सेनिक के एक्सपोजर से भी कैंसर हो सकता है और डेथ भी हो सकती है तो माई डियर फ्रेंड्स आर्सैनिक और यूरेनियम ये तो आपको पता ही होने चाहिए कि हमारे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं इन पे सवाल पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है तो ये बातें आपको पता होनी जरूरी हैं हाँ बिल्कुल आर्सैनिक के बारे में भी पता होना चाहिए चलो अगले सवाल की तरफ आ गए ये सवाल जो है आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है विच स्टेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द ग्राउंड वाटर एक्ट है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग द फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल इन द स्टेट उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश बताइए जी कौन सी स्टेट ने ग्राउंड वाटर एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी को अप्रूवल दिया है जिसका उद्देश्य है कि स्टेट के अंदर गिरते हुए ग्राउंड वाटर लेवल को हमें इंप्रूव करना है उसे बढ़ाना है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है हाँ जी आपके आंसर्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बहुत बढ़िया आंसर हैं जी आपके उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसी स्टेट है जिसने ग्राउंड वाटर एक्ट ट्वेंटी जो है उसे पास किया है ताकि हम फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल है जो स्टेट के अंदर उसे इंप्रूव कर सके बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर बहुत बढ़िया चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगला सवाल हमारे पास है ई विधान पूछा जा रहा है कि इट इज अ प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ट इज अट्टवेयर सूट फॉर मेकिंग द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिसलेटिव असेंबलीजेरेंट रिस्पॉन्सिव प्रोडक्टिव मोर अकाउंटेबल एंड पार्टिसिपेटिव टू दब्लिक विधान के ऊपर सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो हमारी गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए ढेर सारे आईसीटी इनिशिएटिव लिए हैं और उसी में से एक है ई विधान उसी में से एक है ई विधान विधान से तो आप समझ ही चुके होंगे कि कहीं ना कहीं हम जो है हमारी पार्लियामेंट और असेंबली की बात कर रहे हैं और ई विधान है इलेक्ट्रॉनिक विधान है तो कहीं ना कहीं हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से भी जुड़ा होगा है ना और इसीलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया आंसर्स आप सभी के आंसर्स ऑप्शन नंबर सी के आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है जी आप सभी के आंसर्स यहां पे बहुत बढ़िया आंसर्स हैं देखिए सवाल जो टॉपिक है करंट अफेयर्स है बट सवाल जो है बहुत जनरल है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल जी चलो इंडिया क्लीनेस्ट सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ड्रोन टू सैनिटाइज द सिटी विद सिटी इज रेफर टू हियर बताइए जी इंडिया की जो सबसे साफ सिटी है उसने ड्रोन का इस्तेमाल किया सिटी को सैनिटाइज करने के लिए कौन सी सिटी है सबसे साफ लखनऊ कानपुर इंदौर पटना कौन सी सिटी सबसे पास है इसका आंसर बताइए अब कौन सी सिटी सबसे साफ है हाँ ऑप्शन नंबर सी के आंसर मेरे पास आने शुरू हो गए भव्या इंदस निधि सभी नताशा निहारिका ज्योति सभी आंसर मुझे दे रहे हैं इंदौर के हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है जी आपके इंदौर जो है हमारे भारत की सबसे साफ सबसे क्लीनेस्ट सिटी है बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपको इस बारे में पता है बहुत बढ़िया अगले सवाल पे आ जाते हैं फट से विच इज are ट्रू अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सर हर बार कोई ना कोई डे आप उठा लाते हैं कभी वाटर डे कभी अर्थ डे आज आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट उठा लाए हम आपसे पूछ रहे हैं हर साल यह कौन सी तारीख को मनाया जाता है और 2020 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या है यह आपसे पूछ रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में ये सवाल है हाँ जी विधानसभा बिल्कुल अब जो है इस सवाल का आंसर बताइए जी हाँ इंदौर से बाहर आइए सारे इंदौर चले गए हैं अब इंदौर से बाहर आइए इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पे चलिए देखिए इंटरनेशनल डे दे ऑफ फॉरेस्ट जो है हाँ बिल्कुल सही आंसर है जी आपके हाँ बिल्कुल लगातार जो है इंदौर क्लीनस सिटी है बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के गिरीश पंकज नताशा त्रीना ज्योति कृतिका पीजी कॉमर्स सभी के आंसर जो हैं बिल्कुल बढ़िया आ रहे हैं जी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट आपका 21 मार्च को मनाया जाता है और इस बार जो थीम थी फॉरेस्ट बायोडिवर्सिटी थी आपको यह याद कर लेना यह याद करने वाला सवाल है याद कर लेना इसे चलो अब आ गया जी वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े सवाल को लेकर अभी हाल ही में हमारी स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज ट्वेंटी ट्वेंटी जो है रिलीज की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ने रिलीज की है इसके रिजल्ट के मुताबिक बताइए नहीं मिली फाइव स्टार रेटिंग तो हम जो है सिटीज की वैल्यूएशन करते हैं और उनके गार्बेज फ्री स्टेटस को देखते हुए सफाई को देखते हुए उन्हें जो है स्टार रेटिंग देते हैं सबसे बढ़िया वाली को फाइव स्टार मिलते हैं फिर फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन ऐसे ऐसे जो है रेटिंग यहां पे मिलती है और जो इस बार सर्वे हुआ उसमें आपसे पूछा जा रहा है जी कितनी सिटीज़ को फाइव स्टार रेटिंग मिली देखिए आपको याद करना है कि हमारी सिक्स सिटीज़ को फाइव स्टार रेटिंग मिली इसमें इंदौर भी आपका आ जाता है इंदौर तो आप जानते हैं कैसे टॉप पे रहता है इसको भी हमारी फाइव स्टार रेटिंग यहाँ पे मिली है सिक्सटी फाइव सिटीज़ को थ्री स्टार मिली और सेवेंटी सिटीज़ को जो है वन स्टार मिली अबाउट ऑफ वन फोर्टी वन सिटीज़ तो ऐसे यहाँ पे आपको बताया गया है बिल्कुल हाँ जी सिक्स सिटीज़ को आपको मिली बहुत बढ़िया आपका आंसर है बिल्कुल सिक्स सिटीज़ को मिली है ये स्टार रेटिंग आपकी हाँ बिल्कुल चलो तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ही आपकी स्टार रेटिंग दी जाती है कि कौन सी सिटी जो है अपने आप को गार्बेज फ्री रखे हुए हैं उसके हिसाब से ये रेटिंग यहाँ पर दी जाती है चलो अगले सवाल पर आ जाओ अब अगला सवाल आपका है कम्युनिकेशन से मास मीडिया से ट्रू अबाउट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है हर साल ये तीन मई को मनाया जाता है और इस बार जो थीम थी वो थी फ्रीडम डे के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर मास मीडिया मेंशन है मास मीडिया के अंदर आपका फोर्थ पिल्लर ऑफ डेमोक्रेसी इस पर भी सवाल पूछा जा चुका है फोर्थ पिल्लर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा है प्रेस मीडिया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है और टेंथ का सी निहारिका ने लिखा है, है वर्ल्ड तो प्रेस तीन मई को ही मनाया जाता है और इस बार जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर बहुत बढ़िया आ जाओ जी अगले सवाल पे आ जाओ ग्यारहवें सवाल पे आ जाओ मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड एनवायरमेंटलिस्ट डैश ड गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टिल 2022 बताइए जी किस बॉलीवुड एक्ट्रेस की टर्म को हमने एक्सटेंड कर दिया एज द गुडविल एम्बेसिडर ऑफ इंडिया टिल 2022 हाँ जी नवी मुंबई राजकोट सूरत बिल्कुल जी बिल्कुल इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछेंगे फिर भी अगर आपने याद कर लिया तो बहुत बढ़िया है बताइए जी कौन है हमारी यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर इंडिया की कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास सभी अपनी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के नाम मुझे दे रहे हैं गिरीश की फेवरेट एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण नताशा निधि ज्योति इन सभी को आंसर मालूम है हाँ जी हमारा आंसर जो है वो है दिया मिर्जा दिया मिर्जा जो है वो है हमारी यूएनईपी के गुडविल एम्बेसडर इंडिया के लिए और इनकी जो टर्म है और एक्सटेंड करके 2022 तक कर दी गई है न्यूज में था और इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है हाँ इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोई बात नहीं हाँ, जी अब इसे याद रखिए हो सकता है आगे भी पूछ लें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस हैज बीन रिलीज द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस पहली नेशनल रिपोर्ट जो कि हमारे क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बताती है कि क्लाइमेट का हाल बहुत बुरा है इसके बारे में बताती है किसने बनाई होगी नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने या फिर none of the above. सर जब भी सर जब भी हमें कुछ पता नहीं लगता और ऑप्शन में नीति आयोग दिखता है हम उस पर टिक लगा देते हैं क्या ऐसा करना सही होगा आप ऐसा कर सकते हैं मोस्टली नीति आयोग की आंसर होता है ऐसे इनिशिएटिव को लेकर बट हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है कई बार कुछ और भी आपका आंसर हो सकता है कई बार कुछ और भी आंसर आपका हो सकता है और इसीलिए इस सवाल का आंसर अभी तक मेरे पास सही नहीं आया है इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी है जी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है आपको शायद मालूम भी ना हो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी है हमारे देश के अंदर और इसने यह रिपोर्ट लेकर आई है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन इसने असेस किया है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट हो रहा है इंडियन रीजन के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एम ओ ई एस याद रखिएगा सवाल नंबर तेरह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा है स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोस हैज बीन लॉन्च्ड इन फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लोस कौन सी सिटी में लॉन्च किया है मुंबई बेंगलुरु दिल्ली चंडीगढ़ ये वो सिटी होने वाली है जहां पे अक्सर हमारी फ्लड से जुड़ी बहुत ज्यादा समस्या रहती है फ्लड आता है बाढ़ आती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है आप न्यूज में भी बहुत देखते हैं कि अगर अब फ्लड आ गए बारिशें शुरू हो गई तो बहुत दिक्कत हो रही है हमारे इस शहर के लोगों को ये कौन सा शहर है जी खुशबू क्यों नाराज हो रहे हैं शहर का नाम बताइए आप नाराज क्यों हो गए दिया मिर्जा दिया मिर्जा शिप्रा रोड़ा हाँ बिल्कुल दिया मिर्जा उसका आंसर था अब छोड़ दीजिए दिया मिर्जा जी को आगे आ जाइए हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी आंसर आपके बिल्कुल जी बहुत बढ़िया आंसर हैं आपके ये जो है लॉन्च हुआ है आपके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आपने सभी ने सुना होगा कि बहुत दिक्कत रहती है वहां पे फ्लड्स को लेकर और इसीलिए ये वहां पे लॉन्च किया गया है ठीक है जी वीडियो में आई थिंक इशू आ रहा है क्या कोई आना तो नहीं चाहिए क्या आपके एंड पे वीडियो ठीक है हाँ ठीक है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल सही चल रहा है तो क्वेश्चन नंबर था थोड़ा सा अनलकी हो गया कोई दिक्कत नहीं है बॉलीवुड डूब डूब गया अच्छा दिया मिर्जा आप इसीलिए इसीलिए कह रहे थे कि गई चलो थैंक यू मिशन इंटीग्रिटी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द नगर वन प्रोग्राम विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज रूरल एरिया नगर वन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए कहां पे करना है बताइए जी चलो बहुत बढ़िया परफेक्ट ही रहना चाहिए सब कुछ थैंक यू निधि वर्मा जी थैंक यू मिशन इंटीग्रिटी जी मेहनत करते हैं आपके लिए अगर, अगर आपको पसंद आती है तो उससे हमें भी बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स हैं जो मोटिवेट करते हैं और मेहनत करने के लिए हाँ बिल्कुल सर नगर वन प्रोग्राम है नगर हमारे हुए शहर तो ये आपका शहरों के लिए ही तो होने वाला है इसीलिए आंसर हमारा अर्बन एरियाज होने वाला है कितना आसान था इस सवाल का आंसर पहचानना कितना आसान था ना जी सर बहुत आसान था ऐसे बच्चों वाले सवाल आप पूछ रहे हो हमसे एन ऐसे सवाल कहाँ पूछेगा पूछ भी सकता है अगर पूछे और आपको ना आए तो दिक्कत हो जाएगी चलो आपको ले चलते हैं चांद सितारों की तरफ वर्ल्ड बैंक जो है एक प्रोग्राम लेकर आया 500 मिलियन डॉलर इसके अंदर लगाने वाला है स्टार्स प्रोग्राम है ये इसके अंदर बताइए जी क्वालिटी और गवर्नेंस हमारी कहां की प्रमोट करने वाला है स्कूल एजुकेशन की हायर एजुकेशन की स्किल डेवलपमेंट की या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन की बताइए जी वर्ल्ड बैंक जो है चांद तारे कहां पे लगाने वाला है स्टार्स प्रोग्राम के अंदर क्या स्कूल हायर एजुकेशन क्या स्किल डेवलपमेंट या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन शिप्रा अरोड़ा तो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स वो कह रहे हैं जी हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है चलो बहुत बढ़िया शिप्रा अरोड़ा जी आपकी करंट अफेयर्स आपकी जीके नॉलेज की तो क्या कहने बहुत बढ़िया चलिए आपके आंसर आ रहे हैं नताशा अत्री ने आंसर मुझे दिया है ऑप्शन नंबर ए का और आई थिंक उन्हीं का जो आंसर है सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर उन्होंने दिया है कि हमारी सिक्स इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा राजस्थान में वर्ल्ड बैंक जो है स्टार्स प्रोग्राम लेकर आया है स्टार्स की फुलफॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम तो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी और गवर्नेंस को यहां पे इंप्रूव करने वाले हैं याद रखना है कि चांद सितारे जो है वर्ल्ड बैंक हमारे स्कूलों में लगाने वाला है ना कि कॉलेजों में ठीक है चलो बहुत बढ़िया डैश विल लॉन्च द डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट इन कलेबोरेशन विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम टू डेवलप अ पाथवे टूवर्ड्स अ लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इंडिया अब यहां पे भी वही आपके लिए ऑप्शंस आ गई सिमिलर सी डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया ये डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का मतलब क्या है हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ना जी हम जो गाड़ियां चलाते हैं स्कूटर चलाते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है तो हम उसे डी कार्बोनाइज करना चाहते हैं हम चाहते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाएं आपकी गाड़ियां बैटरी से चलें पोल्यूशन ना करें और इसी को लेकर पाथवे डेवलप कर रहे हैं लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर पाथवे डेवलप कर रहे हैं अब यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है यहाँ का क्या आंसर होने वाला है खुशबू त्रिपाठी ने कहा है जी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए के कुछ आंसर्स हैं मेरे पास बाकी बी और डी कह रहे हैं देखिए मेजॉरिटी अगर नीति आयोग जो दिख जाएगा ना आपको ऑप्शंस में नीति आयोग का इनिशिएटिव भी होता है मोस्टली और यहां पे भी ये नीति आयोग का इनिशिएटिव भी है याद कर लेना जी डी कार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नीति आयोग जो है लॉन्च कर रहा है इस प्रोजेक्ट को याद कर लेना इसे नीति आयोग इसे याद कर लेना अगला सवाल है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट हैज क्रिटिकलिटी इन स्टेट इट इज लोकेटेड बताइए जी काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट जो है कहां पे लोकेटेड है अभी हाल ही में न्यूज में था कि इसने क्रिटिकैलिटी अटेन कर ली क्रिटिकलिटी अटेन करने का मतलब क्या होता है देखिए जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं ना जब वो सस्टेनेबल हो जाते हैं तो हम उसे बोल देते हैं कि उसने क्रिटिकलिटी अटेन कर ली अब वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है अब हमारे पास इतना फ्यूल है उसके अंदर कि वो चलता जाएगा हमारा लोकेटेड है काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट कहां पे लोकेटेड है हम बिल्कुल एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को भी प्रमोट करते हैं बायो एथेनॉल को भी प्रमोट करते हैं आंसर आ रहे हैं सी दिया है आवेश ने आंसर आवेश का आंसर यहां पे सबसे पहले बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है गुजरात जो है आपका यहां पे इसका आंसर होने वाला है तो यहां पे सत्रह सवाल आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं तीन और डिस्कस करने अगर आपको सवाल पसंद आ रहे हैं तो प्यार दिखाइए और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आपको हमारा पढ़ाना जो है वो पसंद आ रहा है हाँ बिल्कुल खुशबू गुजरात में है हमारा हाँ कुछ और आंसर दे रहे हैं आपका ये गुजरात के अंदर देखिए न्यूक्लियर एनर्जी आपकी एनर्जी सोर्सेज के अंदर आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है और इंडिया भी काफी काम इस पर कर रहा है काफी जगह पे अटोमिक पावर प्लांट्स आपके लगाए जा चुके हैं और लगाए जा भी रहे हैं और इसीलिए अगर कोई ऐसी इवेंट न्यूज में रहती है तो उसके बारे में हमें पता हो तो आई थिंक ये बेटर रहेगा शिपड़ा अरोड़ा आज पीछे चल रहे हैं हम आगे चल रहे हैं वो पिछले सवालों के आंसर दे रहे हैं चलिए अठारवें सवाल पे हम आ चुके हैं पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड ओ एस ओ डब्ल्यू ओ जी सर ये क्या है ओ एस ओडब्ल्यू ओ जी ये प्लान लेकर आए हैं जी मोदी जी फॉर सप्लाइंग सोलर पावर अक्रॉस द ग्लोब पूरे ग्लोब के अंदर सोलर पावर को प्रमोट करने के लिए फुल फॉर्म क्या है ओ एस ओडब्ल्यू ओ जी की ओ एस ओ डब्ल्यू ओ जी की फुल फॉर्म क्या है जी सर मोदी जी ना बहुत ऐसे काम करते हैं जहां पे हमें फुल फॉर्म याद रखनी पड़ जाती है मोदी जी करके हमारे कॉपी के दो तीन पन्ने फुल फॉर्म से ही भरे हुए हैं जो कि हम याद करके जाएंगे पेपर वाले दिन हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है क्या मोटिवेशन चाहिए गिरीश जी आपको एग्जाम पास है अब तो खुद अंदर से ही मोटिवेशन आनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की चलो बहुत बढ़िया आंसर्स मेरे पास आ रहे हैं जी बी के मेजॉरिटी बी कह रही है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कुछ ए के आ रहे हैं और कुछ सी के आ रहे हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्लोब कह रहे हैं हाँ, नाम से पढ़ के ऐसे ही लगता है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्लोब ही होना चाहिए बट ऐसा नहीं है ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने वाले ट्रांसनेशनल का क्या, क्या मतलब है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में सुना है ना एक नेशन से दूसरे नेशन में काम करती हैं ग्लोबल होती हैं वैसे ही एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने वाले हैं आप इमेजिन कीजिए कि ऐसी एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो जिसकी तारें पूरे वर्ल्ड में फैली हों ऐसे हम सोलर पावर को हार्नेस करें कि एक जगह पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो और पूरा वर्ल्ड उससे कनेक्टेड हो सब जगह सोलर एनर्जी पहुंचाई पौ, जा सके ऐसी विजन है हमारे पीएम मोदी जी की और उन्होंने यह प्लान अनाउंस किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यह प्लान उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में अनाउंस किया है इसलिए आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी चलो ओके शिप्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत बढ़िया इस सवाल का आंसर बताओ जी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड द प्राइमरी रीजन फॉर इंडिया हाई सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन आउटपुट इज द एक्सपेंशन ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ओवर द पास्ट डेकेट बताइए जी क्या इंडिया सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है और अगर हाँ तो क्या इसका मुख्य कारण है यह भी आप बताइए यह भी आप बताइए और मैं देख रहा हूं कि वीडियो पे लाइक्स नहीं बढ़े हैं वीडियो पे लाइक्स अभी भी कम ही हैं, तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए अपना प्यार दिखाइए आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास ऑप्शन नंबर बी के आ, मिशन इंटीग्रिटी बिल्कुल लेनी चाहिए बट ये है कि एग्जाम जब नजदीक होता है ना तभी सब जो है सीरियस होते हैं पढ़ाई के लिए तब कोई सुनता नहीं ऐसी क्लासों को आ, तो आंसर आ रहे हैं आपके वन एंड टू के जो वन एंड टू के, है, के आंसर हैं सभी के आंसर ऑप्शन नंबर सी है सल्फर डाइऑक्साइड का रीजन इसका क्या है कि हम कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहे हैं कोयले का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन करते हैं और उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो एमिट होती है और इसलिए आंसर जो है हमारा है ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है ये भी याद रखना है कि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से आपके सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन जो है वो निकलती हैं आज के आखिरी सवाल पे आ चुके हैं आखिरी सवाल, सवाल पे आ चुके हैं जी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल 2020 हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज पर द बिल फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल बी कन्वर्टेड इंटू सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बताइएहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू डेली राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति ऑल ऑफ दी अब संस्कृत को बढ़ावा देना है और इसलिए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल लेकर आए हैं और इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएंगे वो तो सरकार से सीधी सीधी मदद इन्हें मिलेगी संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हां जी आपके आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी के मेजोरिटी ऑप्शन नंबर डी कह रही है तो मेजोरिटी को हम कैसे गलत कर सकते हैं बिल्कुल यहां पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है ये सभी यूनिवर्सिटी सभी इंस्टीट्यूशन जो है हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बना तो आपको याद रखना है दो नई दिल्ली के हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये नई दिल्ली के और राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी तो का स्टेटस मिल गया ये सवाल आपके हायर एजुकेशन में ओरिएंटल एजुकेशन जो टॉपिक है ना उससे भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और ये आपको पता होना चाहिए तो आंसर है जी, तो माई डियर फ्रेंड्स आज का डिस्कशन केवल इतना ही था आपके साथ उम्मीद करते हैं आपको कुछ नई बातें आज सीखने को मिली हैं और इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करने वाले हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उम्मीद करते हैं आपने इसे लाइक कर दिया है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया है और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर देंगे कोई क्वेरी है तो मेल कीजिए व्हाट्सएप या कॉल कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एवर और हमारी फ्री लर्निंग ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मधु मेघानी जी बाद में देख लेना ज्योति मेहता जी कोशिश करते हैं रोज आपके साथ जुड़े क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है रोज कुछ ना कुछ आपको सिखाएं कोशिश तो यही रहती है हमारी ये पीडीएफ अभी ही डाल देना बिल्कुल वर्षा अभी डाल रहा हूं पीडीएफ चिंता मत करो मोस्ट वेलकम निहारिका निधि भव्य इनकम टैक्स में फोर्टी से फोर्टी तक आप एक्सप्लेन नहीं किए जो इंपॉर्टेंट इतना नहीं है वो उतना एक्सप्लेन नहीं किए 44 सेक्शन जो है उसे याद कर लेना 44 फोर ए बी फोर्टी फोर ए डी आपकी प्रिजमटिव इनकम के जो सेक्शन है है ना आठ परसेंट टैक्स दे सकते हैं ऐसे सेक्शन है ये बस देख लेना आई थिंक ये तो टच किए थे हमने ये तो टच किए थे हमने मोस्ट वेलकम कृतिका मिशन इंटीग्रिटी अनिल पूजा आवेश थैंक यू अनिल मोस्ट वेलकम इंडस त्रिनाथ पंकज शशि वर्षा नताशा मधु थैंक यू शिप्रा चलो थैंक यू निहारिका तो हम इस सेशन को यहां पे फिलहाल एंड कर रहे हैं आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए मेहनत करते रहिए एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है तो मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाना चाहिए अगर अभी भी मोटिवेशन नहीं है तो आप एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है तो बिल्कुल आप जरूर ये मान लीजिए कि आप एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है अगर आप अभी भी मोटिवेटेड नहीं है अभी भी आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता तो माय डियर फ्रेंड्स जो लिमिटेड समय बचा है अच्छे से रिवीजन कीजिए प्रैक्टिस को बिल्कुल मत भूलिए डेली कुछ ना कुछ मॉक्स को प्रैक्टिस जरूर कीजिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बस यही आपसे कहना है हम आपके साथ रेगुलर जुड़ते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए इस सेशन को यहां पर एंड कर रहे हैं मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट